नमस्कार दोस्तों, मैं विकास बगड़िया आपका होस्ट और दोस्त कॉमोडिटी के इस वीकली आउटलुक में। तो दोस्तों, लास्ट वीक कैसे क्या हुआ कॉमोडिटी में, क्या क्या उतार चढ़ाव रहा, कहाँ पे प्रॉफिट हुआ, कहाँ पे नुकसान हुआ, कहाँ आपने एंट्री किया, क्या आपने क्या लेवल्स आपने वॉच करने हैं अगले वीक के लिए। चलिए आइए इन सारे सवालों का जवाब लेते हैं इस वीडियो पे। गोल्ड गोल्ड मैंने दिया था कि सेल ऑन राइज है 56,000। हम लोग 17 तारीख को बंद हुए थे यहाँ पे अराउंड 56,257। मैंने बोला था कि सेल ऑन राइज है, 56,500-600 के करीब मिलता है तो बेचना है। तो गोल्ड हम लोगों को 22 तारीख को मिला 56,395, मतलब नियरली 56,400 के करीब गया। क्या होता है दोस्तों, जब हम लोग एनालाइज करते हैं तो मूविंग एवरेज भी थोड़ा सा शिफ्ट होता है। अब जब यहाँ पे हम लोग एनालाइज कर रहे थे तो मेरा मूविंग एवरेज यहाँ पे था जो कि आ रहा था 56,600, और 22 तारीख आते आते मूविंग एवरेज यहाँ पे हो गया, तो हल्का सा 100-150 पॉइंट का मूविंग एवरेज में शिफ्ट आ गया। एंड इसके चलते ये देखिए इसी रेंज से, ये मेरे जो रेड लाइन है इसी के स्टॉप मतलब रेजिस्टेंस लिया एंड देन अगेन अ फॉल। तो गोल्ड में नियर अबाउट 56,500 के करीब बोला था तो 100 पॉइंट 56,400 के करीब गया। काफी लोगों ने पोजिशन लिया भी एंड काफी लोगों ने इसमें मुनाफा भी बनाया। तो वहां से देखिए ऑलमोस्ट टारगेट हिट हुआ, 55,500-600 का टारगेट गया, तो 55,380 है। तो गोल्ड में नियरली ऊपर से 1,000 पॉइंट के करीब का मंदी आया और 1,000 पॉइंट तक का टारगेट मिला सिल्वर। देखिए सिल्वर में भी हम लोगों ने 17 तारीख को बात किया था कि थोड़ा सा बाउंस मिलेगा हम लोगों को सेल करना। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 66,800 तक का बाउंस मिल जाए, बट वहां तक नहीं मिला। 66,000 आई गेस 66,200 तक ही गया, 600 पॉइंट कम रह गया सेलिंग लेवल से, बट काफी लोगों ने सेल किया। अगर आपने भी किया होगा 100, अगर 500-600 पॉइंट का अगर आप लोगों ने बफर को ध्यान में रख के किया होगा तो देखिए मैं इसको नहीं काउंट कर रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, बट एग्जैक्टली एंट्री पे नहीं हुआ, बट ठीक है 66,200 तक गया। एंड इसके बाद देखिए 3 दिन लगातार फॉल एंड सिल्वर मेड अ लो 63,200, मतलब 3,000 पॉइंट के करीब का सिल्वर में फिर से एक करेक्शन आ गया। नेचुरल गैस में देखिए लोअर लेवल से थोड़ा सा बाउंस दिया, बट अभी भी नेचुरल गैस में कोई ट्रेंड नहीं मिल रहा है। क्रूड ऑयल में 6,200 के नीचे बेचना था, 6,200 के नीचे गया भी, 6,162 तक भी गया, बट क्रूड साइडलाइंस पे ही बंद हो गया तो क्रूड ऑयल में हम लोगों को कुछ मिला नहीं। ठीक है, तो दोस्तों अपकमिंग वीक के लिए अब हम लोग बात करते हैं कि अपकमिंग वीक में बाजार में क्या रह सकता है, कमोडिटी में हम लोगों को क्या प्लान आउट रखना है, कैसे ट्रेड्स रखने हैं। तो देखिए दोस्तों गोल्ड अभी एक इस जगह पे सपोर्ट जोन पे है, 55,400-55,500 का ही सपोर्ट जोन के पास गोल्ड खड़ा है, राइट। इसका वीकली चार्ट देखोगे तो वीकली चार्ट ने अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को अभी जस्ट ब्रीच किया है, करेक्शन अभी ड्यू है। तो वीकली चार्ट के हिसाब से मेरे को लगता है कि गोल्ड 54,600-54,700 तक आ सकता है। 54,700 गोल्ड का वीकली चार्ट मेरे को कर रहा है। मंथली चार्ट में ये डबल टॉप तोड़ने के बाद एक बाउंस देने के बाद करेक्टिव वेव स्टार्टेड। तो जब भी ऐसा होता है तो एक थोड़ा बड़ा करेक्शन आता है। ये मार्च महीने में भी ये फॉलो अप होगा, ये सेल फॉलो अप होगा नेक्स्ट मंथ के लिए भी। ठीक है, तो मंथली चार्ट तो आने वाले दिनों में 52,900 के करीब का इंडिकेशन दे रहा है। आवर्ली चार्ट देखिए खराब है दोस्तों, एकदम से खराब है, बार बार रेजिस्टेंस लेके गिर रहा है। ठीक है, एंड इसने सपोर्ट जोन को भी तोड़ दिया है। तो गोल्ड दोस्तों नेक्स्ट वीक के लिए फिर मैं दूंगा सेल मोड ऑन है गोल्ड में, गोल्ड फिर से मैं सेल दूंगा। इस बार गोल्ड में दूंगा 55,400 के नीचे बेचना है, 55,400 के नीचे गोल्ड बेचना है। पहला टारगेट आपको रखना है 54,800 और दूसरा टारगेट रखना है 54,400। ठीक है, और स्टॉप लॉस रहेगा आपका 55,700, 300 पॉइंट के स्टॉप लॉस में नियरली आपको 1,000 पॉइंट का गोल्ड पे ट्रेड दे रहा है। सिल्वर सिल्वर में तो दोस्तों बेचना ही है, अपने डेली चार्ट में लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को तोड़ने जा रहा है तो सिल्वर तो भी सेल ऑन राइज ही है। वीकली चार्ट भी खराब हो गया, लास्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सप्ताह से कंटिन्यूअसली गिर रहा है एंड अभी सेल मोड ऑन है सिल्वर। तो सिल्वर में मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 60,000 तक का।
मंथली चार्ट देख लेते हैं वीकली। जी हाँ दोस्तों, देखिए वीकली मंथली चार्ट में सिल्वर का आ रहा है करीब करीब 62,000 के करीब। ओके, आवर्ली चार्ट देखते हैं सिल्वर में कैसा ट्रेड प्लान करना है। ओके, तो सिल्वर दोस्तों 63,000 के नीचे जाता है तो सिल्वर को सेल करिए। 63,550 का स्टॉप लॉस दीजिए और टारगेट रखिए 62,100 और 61,400। ठीक है, तो ये सिल्वर का लेवल रहेगा आपके लिए कमिंग वीक के लिए। एनजी में भी कुछ नहीं करेंगे, एनजी में हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे क्योंकि एनजी में वापस से देखिए आवर्ली चार्ट अच्छा हुआ है बट डेली चार्ट में हम लोग रेजिस्टेंस के पास आया हुआ है तो देखते हैं इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है कि नहीं तोड़ता। तोड़ेगा तब तो हम लोग ध्यान देंगे उसको। क्रूड ऑयल में फिर मैं सेल का ही मोड रखूंगा। एक बाउंस मेरे को मिलता है अगर 6480-6500 के करीब में तो क्रूड को बेचूंगा 6500 के करीब में। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखूंगा, 6600 का स्टॉप लॉस रखना है। वापस टारगेट हम लोग रखेंगे 6200 और 6000 का। तो दोस्तों गोल्ड में सेल है लोअर लेवल टूटने पे, सिल्वर पे सेल है लोअर लेवल टूटने पे, नेचुरल गैस में हम लोग कोई ट्रेड नहीं ले रहे हैं, क्रूड ऑयल में अपर रेजिस्टेंस के पास जाने से हम लोग सेल ले रहे हैं। तो दोस्तों ये आउटलुक है अपकमिंग वीक के लिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और लास्ट वीक में अगर आप लोगों ने प्रॉफिट कमाया और आप लोगों को मेरा एनालिसिस अच्छा लगता हो तो प्लीज प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए और आने वाला वीक आपके लिए प्रॉफिटेबल रहे यही आशा करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।